पास्कल है। कुश्ती नहीं चल रही। होस्ट है, कंडक्टर थोड़ी है। नहीं, मुझे पहली बार मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए मैं। खैर, नमस्कार, सिटी केबल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और गोश्त। एक्सक्यूज मी, गोश्त नहीं होता, इट्स घोस्ट। व्हाई आर यू टॉकिंग द मोस्ट? मैंने आपसे बात की, मुझे याद आ गया, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, द जॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, रैविशिंग बम्पर लॉटरी। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, हमारी इस चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नमस्ते डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कितनी मशहूर है। एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी, के एच ए एम ओ एस एच। इसका फुल फॉर्म क्या है? तेरे मुंह पे मैंने क्लोरोफॉर्म लगा देना, फुल फॉर्म क्या है? मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा, मैं तो स्पेलिंग बता रहा हूँ, खामोश के। और तेरे को कह रहा हूँ बेवकूफ, अनपढ़ कहेंगे। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो हैं शकीरा से टीचर विद्यावती। शकीरा से मतलब? शकीरा इनकी मम्मी का नाम है। एक्सक्यूज मी, शकीरा मेरे पापा का नाम है। Big bumps, so his hips don't lie. Oh my God. वैसे myself, टीचर विद्यावती, हमारे यहाँ पर उचित दरों पर बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, मतलब कि दवा के दाम पर डॉक्टर बनाए, like a diamond in the sky. और सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कीजिए भौजाई रजाई। जी हाँ, ये बहुत गर्म है और बहुत नरम है, और आपकी तरह बेशरम है। I'm sorry, ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा मैं, बेटा मैं पहुंच गया। आपने लेने मेरे को कोई नहीं आया। हाँ, ना कोई देने आया ना लेने आया, मैं पहुंच गया बेटा तेरे चाचा घर में। हाँ, बहुत बढ़िया है, मैं रात में पहुंच गया था बेटे। यार अच्छा मैं दिल्ली से आया हूँ यार, तेरे से मिलने, तूने मेरे को तरफ देख के मुंह मोड़ लिया, मेरे को तेरा ये मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तेरे कह रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। खबरदार, जो तूने मेरे को अपना कजन या भाई बनाया तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तेरे को। कोई अपने भाई से ऐसे बात करता है? मैं करता है ऐसे बात अपने भाई से? तेरे जैसे चालू आदमी मैं तेरा गिरा हुआ पर्स ना रखूं, तेरे से रिश्ता कर रखना। आपको पता है सिद्धु साहब, चलती ट्रेन से मेरे को धक्का दिया था इसने। मैं बता दूं सिद्धु साहब, ठीक से देते ना, आप भी तो यहाँ बैठा नहीं होता। बहुत अच्छी बात की, मेरी तरफ से आपको किस है। इतना मेरे को अच्छा लगा। मतलब मुझसे तो पूछ लो, किस चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे? मेरे को कुछ, मेरी बीवी को भी नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया में सिद्धू साहब क्या लेके जाना है? हाँ। जो है दे दो। अच्छा मेरे को ये कह रहे हैं, मैंने धक्का दिया, मैं बताता हूँ, ए 70 की बात है, मशरूम का बर्थडे, मैं इसको प्यार से मशरूम कहता हूँ, तो इसका बर्थडे था, तो मेरे यार छोटे भाई का बर्थडे, तो ऐसे थोड़ी उसका कुछ देना था, मैंने धक्का दे दिया। मेरे को अच्छा सारे आगे बहस में मेरे को बुलाया नहीं, तो मैं बहुत बहुत आपका बेटे, मेरे को आपका मुँह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा मेरे को एक बात बता, 20 साल हो गए मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, अब तू यहाँ पे टिंडे लेने आया मेरे पास? सिद्धू साहब मैं आना चाहता था, मेरे को कोई बिना टिकट आने नहीं दे रहा था, तो मैं जाके घुस गया ट्रेन में। अरे मैं घुस गया, अब यकीन नहीं करोगे। अच्छा? मेरे को गालियाँ दी। हाँ। मेरा हाथ उठ गया। हाँ। मेरा हाथ उठ गया, मैंने हाथ उठा के कानों पर रख लिया, मैंने कहा देते रहो गाली। अच्छा अच्छा सिद्धू साहब मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, बहुत ज़्यादा मैं। अच्छा मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फैन हूँ। बताना बताया। नहीं मैंने बताने नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा मैं। अच्छा मैं यार बहुत मजा आया, मैं दिल्ली से, मैं कुछ तकरीबन मेरे 14 साल बाद मैं बॉम्बे आया हूँ। यार एक बात बता, खुजली बड़ी गलत जगह पे हो रही है। देखो सर, खुजली और बारिश कहीं भी हो जाती है। बहुत मजा आया यार। Excuse me, हेलो, ये पिंक वाले भाई साहब, हमने आपको कोई निमंत्रण तो भेजा नहीं? देखो बेटा मुझे अरबी तो आती नहीं, निमंत्रण वगैरह तो मैं आ जाता, वैसे मैं बताना भूल गया, मैं
मशरूम का आपका मशहूर गुलाटी का कलर। यार तुम मुझे मशरूम नहीं कहेगा कभी भी। मशरूम नहीं कहेगा, मैंने तेरे मुंह पर थूक फेंक देनी है। यार मशरूम का तो अब मैं मशरूम मैंने तो कौन सा तेरी सब्जी बना ली यार। अच्छा मैं फिर साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा नाम मेरा राजेश गुलाटी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आप जैसे भाइयों की दुआ से बड़ा नाम है। कैसे कैसे? दिल्ली में अगर 200 फ्लाईओवर है तो उसके नीचे 12,000 मंगते मेरे अंडर है। आई विल टेल यू ही इज हेड ऑफ द बैगिंग डिपार्टमेंट। देखा नहीं सुनाक्षी जी ने बैठी है। अरे मैं आपका अरे मैं आपको बता नहीं कर मैं बात नहीं करनी वहाँ चलो तुम यार मैं बता रहा हूँ जा यार मैं तेरे को गंदी गाली दे देनी है। बेटे मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैंने बेटा कहा आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चों के फ्रेंड आते हैं मुझे कहते हैं राजेश वी आर फ्रेंड्स। अगर आपको मुझसे एक होप है ना तो बिल्कुल मत रखना प्लीज। मैंने आपकी फिल्म देखी दबंग वाली। हाँ। मेरा हुरूर दबंग निकल गया। मैं साहब एक सन 1999 की बात है। हाँ। एक फिल्म आई थी वो दिलवाले। हाँ। दिलवाले नहीं। हाँ। दूसरी जो मेरी धरती मेरी माँ वगैरह। उसके बाद अगर मुझे कोई फिल्म पसंद आई है तो किस किस को प्यार करूं? मतलब आप यही नहीं करोगे? मतलब बहुत ही आप जल्दी बैठ जाओ ना अकीरा यहाँ पे दिखा दूंगी। अकीरा और खीरा दोनों चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। नहीं ये क्या बात हुई आप अभी तो दबंग के बारे में बात कर रहे थे। देखे बेटे फिल्म जब हिट होती है दुनिया बातें करती है। दबंग 3 में मैं आपके साथ काम करूंगा मैंने सोच लिया। पर यहाँ पे जो डिबेट चल रही है उसका क्या भाई इधर आके बैठ यहाँ पे इधर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया पता नहीं रोक नहीं पाया आपको देख के यार बहुत मजा आया। तो हम जरा अपनी डिबेट आगे बढ़ाएं। अच्छा बेटे मैं आपको एक बात बताऊं मैं आपका प्रोग्राम देखा है सिटी केबल वगैरह ये प्रोग्राम जो है ना आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है ना आपको? बिल्कुल प्रोग्राम बहुत अच्छा बेटे लेकिन आपकी होस्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कह रहा हूँ। अच्छा मेरे 2-3 दोस्त है दिल्ली में एक अपना चड्डा है और एक को गुप्ता है। अच्छा उनको ऐसी औरतें अच्छी लगती बड़ी बड़ी ऐसी औरतें। अच्छा मैंने उनको भी दिखाया प्रोग्राम उनको नफरत होगी कहते यार ये क्या दिखा रहे हो और टीवी में कपड़ा डाल दिया मतलब बहुत ज्यादा आपका मुंह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक होता है कि चलो थोड़ा सा पसंद आता है मेरे को थोड़ा सा भी नहीं आया। खुद तो बड़े आपका तो मेरे को बड़ा बड़ा पसंद है आपका तो बड़ा पसंद है बेटे आप तो मर जाओ। ठीक है मरने से पहले मैं बस ये डिबेट जारी रखना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले हमारी डिबेट में हम चर्चा करना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा के साथ। हम जानना चाहेंगे सोनाक्षी जी के आप एक एक्ट्रेस हैं कलाकारा हैं आपके पिताजी भी एक एक्टर हैं कलाकार हैं तो क्या पहले तुम्हें टॉयलेट आए पहले जाओ ऐसे पता आदमी का दिमाग में गैस जड़ जाती है फिर ऐसी बातें करता हूँ जाओ बेटा दिन में 10 बार किया था आसान होता है जब उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो तो क्या उनके लिए चीजें आसानी से हो जाती हैं? हाँ कुछ हद तक आई थिंक हर डॉक्टर भी चाहता होगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने लॉयर भी चाहता है उसका बेटा लॉयर बने एक्टर कभी कभी चाहते हैं उनके बेटे एक्टिंग करे। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिता इनकी माँ को तंग करते थे तभी ये हुई है। अच्छा मैंने कहा भी इनके बेटा कुछ नहीं करते अच्छा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो इसकी बेटी भी कारण की निकली मेरे को मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया चाहे मेरी भतीजी है मेरे को नफरत हो गई मेरी अब वॉमिट होने लगा था मैं मेरी वॉमिट हुई मैंने उंगली से वापस अंदर डाली मैंने कहा आप यकीन नहीं करेंगे बहुत मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। सवाल ये था कि क्या जो बच्चे होते हैं अगर उनके माँ बाप सेम प्रोफेशन में हो तो क्या उनको जरा हेल्प हो जाती है? Well, as a doctor, I think बच्चों को माँ का प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ओहो ओहो जैसे एज ए डॉक्टर मैं इतना नहीं कमाता जितना पेंचर के बिजनेस से 10 टाइम कमा लेता हूँ मैं माँ का प्रोफेशन इज बेटर। आपकी मम्मी पंचर बनाती थी? नहीं नहीं तो बाद में शुरू किया चाची जी मेरी चाची थी मजूर की माँ जो थी और पहले बालों से ट्रक खींचती थी तो एक दिन सिद्धू साहब अभी यकीन नहीं कर गए ऐसे चाची जी बालों से ट्रक खींची थी ट्रक वाले ने बैग गेट डाल दिया चाची पूरी गंजी कहता
अच्छा आप यकीन नहीं कर सकते साहब, हालांकि थी मेरी चाची पर मेरे को बड़ा मजा आया देख के। आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने अपनी चाची को बचाने की कोशिश नहीं की? अरे ट्रक तो यही चला रहा था ना। See, this is not fair. This is not fair. You come here, sit on chair, otherwise go anywhere. I don't care. बेटा आप टीचर है ना? जी जी, oh, see, I'm so famous. He knows me. Yes. मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी। मैंने दिल्ली में बहुत कूड़ा देखा सड़कों पे। मैंने ऐसा जुड़न देखा, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया आपका जुड़न। अच्छा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया, इतना पसंद नहीं दिया। अच्छा बेटा लाना था तुम पे यार। देखिए मुझे जूड़ा छोड़िए जूड़ा कराटे भी आता है, because I love Bruce Lee. और पेश करते हैं यहाँ पर चमार टॉफी, जब चाहे चूस ली। क्या हम हमारे मुद्दे को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि क्या माँ बाप का और बच्चों का सेम प्रोफेशन में होने से बच्चों को आसानी हो जाती है? ये पिंक वाले भाई साहब। अच्छा मैं सिद्धू साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ऐसी डिवाइस बनाई है आप दीवार के आसपास देख सकते हो। ओहो, क्या बोलते हैं उसे? उसे खिड़की। मैंने खिड़की बनाई है, मैंने मैं बनाता रहता हूँ। चलिए आप ये बता सकते हैं जरा, आपने किस चीज की इंजीनियरिंग की है, मतलब केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कौन सी? मैं बेटा इतना सोचता हूँ, जो मेरे हाथ में आई मैंने कर ली। मैंने इंजीनियरिंग की है जिसमें अपना बड़ा सा चश्मा लगा के ना, काले रंग का, हाथ में फुलझड़ी जला के वो चीजें जोड़ते हैं जो। अरे वो फुलझड़ी से जो जोड़ते हैं उसको तो वेल्डिंग कहते हैं ना। मजरू मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगी गाली दूँ। मेरे को दिस इज टू मच, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस बंदे को कुछ करो यार। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे अभी भी आपका झूठा पसंद नहीं आया। मतलब मेरे चाचा जी है, वो फ्लॉप फिल्म भी 3-4 बार देख लेते हैं, तो मैंने उनको भी दिखाया, मैं देखो लड़की का जुड़ा, कहते कहते नहीं बिल्कुल पसंद है। अरे मैं 93 में मेरी साली आई हुई थी, मैं वैसे ड्रिंक वगैरह कर लेता, साली आई तो सांडू के साथ, वैसे मैं डेली ड्रिंक नहीं करता, कभी कभार कोई 24 घंटे बाद एक आध बोतल पी लेता। पर बेटे मैं बात भूल गया, मैं आपका मेरे को मुंह भी नहीं पसंद आया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हाथ उठाऊंगा डंडा। देखिए संजा हो या मंजा, रोज खाओ डंडा, अब मैं लात उठाने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ आपको। बेटे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका जुड़ा देखो, मैं देखो सलाह लेनी चाहिए, आप अगर इसके चारों तरफ थोड़ी बाउंड्री लाइन लगा के दो फूल लगा ले, बेटा गमला बन सकता है। देखिए यहाँ पर मैं अपने शो करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बातें करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, एक तो शो कैसे होगा मेरा? देखो बेटा मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे आपकी होस्टिंग ना नफरत हो गई। आपको बुरा लगा अगर ऐसी बात है तो मैं बैठा हूँ, आप चले जाओ। अब मैं यहाँ बैठा तुम अंदर जाओ, मेरा बाथरूम में कच्चा गीला पड़ा उसको सुखा दो। मैं तुम्हारा कच्चा क्यों दूँ भाई? मेरा कच्चा यार, मेरा सगा भाई नहीं, मेरा कच्चा कहाँ से आया? तेरा था, मैंने रात को पहन लिया था, बस दो है तुम सुखा दो यार। पर आपका मुंह मुझे और भी गंदा लगने लगा है। This is too much. आप नेशनल टीवी पे कच्चा सुखाने की बात कर रहे हैं? तो बेटा मैं फिर कच्चे पे नेशनल टीवी सुखा दूँ? कमाल कर रही है। आप यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रही है, क्या तरीका हुआ? मुझे शो करने दीजिए ना। बेटा जल्दी करो, मेरी मुंह उतर रही है। वो मजा आता देख यार, 3-4 आदमी इकट्ठे करके मेल्ट करके बंदा बना दिया। देखिए चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि हम मुद्दे से काफी भटक गए, इसके लिए हम मुद्दे को ही टोटली भटका देते हैं, हम अगले सवाल पे चले जाते हैं। सोनाक्षी जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे बताइए कि खूबसूरत लड़कियां जैसे कि मैं, जैसे कि आप, आई एम सॉरी मैं आपको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी, खूबसूरत लड़कियां क्या अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती हैं? आप पहले तो एक फेवर कीजिए मुझ पे, जब आप खूबसूरत लड़की बोलते हैं तो आपका नाम और मेरा नाम सेम सेंटेंस में मत। बहुत अच्छी बात है, मेरे को आपके जवाब बड़ा पसंद है। ओके, आई हैव अ कंप्लेंट। यस, कई बार क्या होता है लड़कियां ना अपनी प्रोफाइल पे हीरोइन की फोटो लगा देती हैं। हाँ। अभी इसने आपकी फोटो लगाई हुई है दोस्त बनाने के लिए, व्हाई इज दैट? सारी रात बैठ के मैं चैटिंग करता रहा, मैं समझ रहा भी आप हैं। ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम किसी की फोटो लगा दो तुम खराब ही दिखोगी।
तुम्हारी बोर्डर नहीं अच्छी, तुम चाहे गोगा कपूर की बोर्डर लगा, तुम खराब दिखोगे। देखिए दुर्घटना से देर भली अतामा जैसा टकली, अब मेरा हाथ उठने वाला है बस। तप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे आपने क्या चैटिंग की बता, वो भी बता दीजिए, मगर इतना बता ना, मेरे को ना एक आपसे बात करनी थी। वहां से करो ना, नहीं प्राइवेट बात है ही, मैं बता रहा हूँ, मैं अग्रेसिव नहीं, आप वहां से करो, मेरी बात तो सुनो। नहीं आप वहां से नहीं, वैसी हो गई नहीं वहां से, मेरे को कहता मेरी मुंबई में बड़ी इज्जत है, मैंने देख ली। देखो मेरे को ना थोड़ा सा मन करता है, हम दोनों बाहर चले, एक नारियल लेते हैं, उसमें दो डालेंगे स्ट्रॉ करके पीते हैं दोनों, अगर आपको ठीक लगे तो एक ही नारियल से पी लेंगे। एक ही नारियल से पी लेंगे? कैसे कैसे कैसे? देखो मैं ऐसे इधर रहूं, आप उधर रहें। अब मुझे बड़ा मजा आया। वेरी गुड। ए लाल जो पड़ी है ना तुम्हारे नंबर प्लेट पे पड़ी है। मुझे बड़ा मजा आया। पूरा नारियल पीना है तो पूरा पी लो आप। ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे शो पे एक अभिनेत्री काफी गुस्सा हो गई है, क्या वो इस डॉक्टर का खून करेंगी? ये ते मोटी नर्स आइडिया दे रही है, तेरे को बता रहा हूँ। ये आइडिया दे रही है। लेते हैं ऑडियंस पोल, क्या इनका खून करना चाहिए या नहीं? यस ऑडियंस, यस। बात सुनिए, देखो मैं एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आया पहली बार। ये भी है लीजिए। मैं पहले, मेरे को जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे नर्सन में देखिए मामला अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिटी केबल। बेटा मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। चतुरी से पूछना, मेरे को बड़ा अच्छे से जानते हैं।